प्रदेश की प्राथमिक पाठशालाओं में छात्रों की संख्या लगातार घटती जा रही है। यही कारण है कि शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 96 ऐसे स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है जिनमें बच्चों की संख्या 25 से कम है। और रेवाड़ी जिले में बंद होने वाले स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है। रेवाड़ी के 20 स्कूल ऐसे होंगे जो बंद कर दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों की बदतर हालत किसी से छुपी नहीं है। यही वजह है कि अभिभावकों का सरकारी प्राइमरी स्कूलों से मोह भंग होता जा रहा है। रेवाड़ी जिले में 20 स्कूलों को विभाग बंद करने जा रहा है जिसमें सबसे अधिक जाटूसाना ब्लॉक में है। जिले के गांव रानोली, पांचोर, डोडई, किशनपुरा, बालावास, करावरा, खुशपुरा, कुमरोदा, बिहारीपुर, चौकी नंबर 2, मस्तापुर, दरूली, ढोकिया, बालधन खुर्द, ढानी राधा, चिमनावास, पुंसिका और कोराड़ गांव के स्कूलों सहित अन्य स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि उनकी कोशिश रहेगी कि जिन स्कूलों में 20 से 24 बच्चे हैं उनमें बच्चों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन जिनमें ज़्यादा बच्चे कम हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा और उन बच्चों को 1 किलोमीटर के दायरे के दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा और अध्यापकों को भी जरूरत के हिसाब से दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा। वहीं विभाग के इस फैसले पर सवाल भी उठना शुरू हो गए हैं। पुंसिका गांव के सरपंच का कहना है कि स्कूल में बच्चों की संख्या पूरी है, विभाग ने जो लिस्ट जारी की है वो लिस्ट पुरानी है, इसलिए विभाग लिस्ट को सही करे। अगर फिर भी उनके स्कूल में कोई खामी पाई जाती है तो उसको दूर कर देंगे, लेकिन स्कूल बंद नहीं होने देंगे। देखो, हमारे इस रेवाड़ी ज़िले में 403 प्राइमरी स्कूल है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चे 25 से कम हैं और वे स्कूल 20 हैं। कुछ स्कूल नियर 25 है, उनको हम ही अभी देख रहे हैं, संख्या बढ़ जाती है तो उनको रखेंगे, अन्यथा तो इनकी सभी की सूचना हेडक्वार्टर पर भेज दी जाएगी। और इनमें मूवेबल प्रॉपर्टी है तो जहां वे बच्चे शिफ्ट करेंगे स्कूल की, वो वहां पर शिफ्ट कर दी जाएंगे और इनका जो स्टाफ है वो नज़दीक के जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ लगा दिया जाएगा। कभी का क्या कारण मान रहे सर? नहीं, कभी का नहीं है, अभी हम विभाग को इसकी सूचना भेजेंगे और हेडक्वार्टर लेवल पर, पूरे स्टेट लेवल पर इसकी जो भी फैसला होगा विभाग लेगा। कोशिश की जाएगी पहले बच्चों में स्ट्रेंथ बढ़ जाए या एडमिशन उसमें करें। हाँ, इस स्तर में अगर जो बच्चे 25 या 25 से ज़्यादा हो जाते हैं तो वे स्कूल रखे जाएंगे। कुछ स्कूल हैं इसमें 5-6 स्कूल जहाँ 22 से 23 बच्चे हैं, उनकी कोशिश जारी है, अन्यथा नहीं बढ़ते तो वे भी स्कूल बंद के लिए सूचना भेज दी जाएगी हेडक्वार्टर। ठीक, ने जो लिस्ट डाली गई वो बैक की लिस्ट डाली हुई है, तो उसमें हमारे बच्चे ऑलरेडी 25 बच्चे हमारे ऑनलाइन है और 2 बच्चों का नाम ऑनलाइन नहीं है, बट हमारी फॉर्मेलिटी तो पूरी स्कूल की, फिर हमारा ऐसा नाम क्यों दिया गया बैक से? फिर भी अगर 25 बच्चे की बात आ रही तो पूरे कर दे हमारे बच्चे पूरे हैं ऑलरेडी, सारी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप क्या कहेंगे शिक्षा विभाग से? इसमें शिक्षा विभाग कहेंगे आपने जो भी ये हरकत इमल जो किया है इसको पूरा करें और दोबारा से इंक्वायरी करें, या तो अपनी कि बच्चे फॉर्मेलिटी पूरे हैं या नहीं है। बैग का अगर उठा के देंगे तो ऐसे थोड़ी बंद होगा स्कूल हमारे, और छोटे बच्चे हैं यहाँ कहाँ भेजे जाएंगे ऐसे दूसरे स्कूल में, और हमारा तो बहुत पुराना स्कूल 1957 से चल रहा है हमारा स्कूल, तो आज पहली बार थोड़ी है कि हमारे स्कूल में इस तरह कोई हुआ है। तो हम विभाग से ये कहते हैं कि अपनी इंक्वायरी करके हमारा स्कूल यहीं कहीं छोड़ जाए, इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी फॉर्मेलिटी हमारी पूरी है, फिर भी कोई कमी है तो हम उस फॉर्मेलिटी को पूरी करेंगे।